ये मैंने लिया है एक कॉपी का कवर। आप किसी डायरी कॉपी बुक का कवर ले सकते हैं या फिर आपके पास कार्डबोर्ड हो आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 6 इंच के सर्कल निकाले हैं, ये 2 मैंने 6 इंच के सर्कल निकाले हैं और 2 ही मैंने 7 इंच के सर्कल निकाले हैं। तो आप 6 और 8 के भी निकाल सकते हैं। तो एक हमारे लिए हल्का रहेगा क्योंकि हमें इनके ऊपर दिए को सेट करना है। तो ये 2 कार्डबोर्ड को आप इस तरीके से जोड़ लोगे ताकि वो ठीक हो जाए और थोड़ा वेट को सहन कर सके। तो इसी तरह से इनको तैयार करना है और डबल साइडेड टेप जो आती है उसके साथ इसको कवर कर देना है। ये मैं मार्बल डस्ट क्ले का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मार्बल डस्ट क्ले मेरी फेवरेट है। ये इसका बनाया हुआ सामान टूटता नहीं है, तो इसमें थोड़ा भी आप परेशान ना हो ना। इसमें थोड़ा सा मैंने टर्मेरिक डाला हुआ है क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा फंगस लगाने का चक्कर रहता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मार्बल डस्ट में मैंने हल्दी को मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो सिंपल ही क्ले है। तो पूरा इसको अप्लाई कर देंगे ताकि हमने जो बोर्ड सेट किए हैं वो एकदम ठीक हो जाए। ये मैं मास्किंग टेप का जो रोल है जो खाली हो चुका है उसे यहाँ पर फेविकोल के साथ पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर भी मार्बल डस्ट क्ले को अप्लाई कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से मजबूत हो जाए। अब ये मैंने लिया है फ़ैन का रोल। जो हम फ़ैन नए मंगाते हैं तो उसमें इस तरह के रोल होते हैं, तो वही मैंने सिंपल यहाँ पर यूज़ किया है ताकि जो दोनों लेयर्स हम यहाँ पर बनाने वाले हैं दिए की, तो उसमें काफ़ी अच्छे से गैप आ जाए। तो ये यहाँ पर सेट कर दिया। और सबसे पहले ऊपर का काम करने से पहले ये मार्बल डस्ट का कोन तैयार किया है मैंने, मार्बल डस्ट और फेविकोल का। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ पर बना लेते हैं रिलीफ की तरह से। का डिज़ाइन तैयार करने के बाद हम फिर से फेविकोल लगाएंगे और जो दूसरी लेयर हमारे यहाँ पर लगानी है तो उसको भी यहाँ पर सेट कर देंगे। और ये मैंने लिया है, हम इसको बोलते हैं कुल्हड़। तो इसमें यहाँ पर पेपर मैशी क्ले के साथ में लीव्स बनाने वाली हूँ। तो हम सबसे ज़्यादा कलश और नारियल को महत्व देते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पैटर्न भी वही ले रही हूँ। आपके पास क्ले टूल हो तो उससे इस पर टेक्सचर डाल सकते हैं सारी लीव्स के ऊपर। आपके पास नहीं है तो आपका जो किचन का नाइफ है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते जाएंगे और जितने भी लीव्स बनाए हैं उसको यहाँ पर सेट कर देंगे। जैसे कि हम हर पूजा में कलश और नारियल का यूज़ करते हैं, आप सभी जानती होंगे, वही पैटर्न मैंने दिए में यहाँ पर अप्लाई किया है।
हम बनाते हैं छोटा सा नारियल जो कि हमारा इस कलश में सेट हो जाए। तो इस तरह से इसको बना लेंगे और इसके ऊपर टूल के साथ छोटा छोटा टेक्सचर डाल देंगे। ये पूरा हमारा हो गया है सेट। नीचे भी हमारी हाइट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जब हम कोई पूजा का सामान रखता है तो उसे एड़ी से ज़्यादा हाइट पर रखना चाहिए। तो देखिए हमारा काफ़ी हाइट इसमें हो चुकी है क्योंकि 2 इंच का यहाँ पर ये रोल था। अब यहाँ करेंगे हम एक बेस कलर अप्लाई जो कि मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है। आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप ब्राउन कलर करोगे तो उसके ऊपर गोल्डन कलर का जो शाइन होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर ब्राउन कलर जब हमारा सूख जाए पूरा कोट होने के बाद तो उसके ऊपर गोल्डन कलर को अप्लाई कर देंगे। इसी तरह का पैटर्न जो हमने इसके ऊपर दिए सेट करने हैं मिट्टी के भी उन पे भी पैटर्न हम यूज़ करेंगे। गोल्डन स्पार्कल कलर ही यूज़ किया है। तो पूरे दिए भी हमारे तैयार हैं और देखिए सिर्फ गोल्डन रखना चाहिए तो इस तरह का भी पैटर्न बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हमारी जो लीव्स हमने बनाई हैं उसके ऊपर ग्रीन स्पार्कल कलर का मैं यूज़ करूँगी क्योंकि जो हम आम के पत्ते यूज़ होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं तो थोड़ा सा वो इफेक्ट आना भी चाहिए। तो हल्का हल्का सा डालेंगे तो कि जो हमने टेक्सचर दिया है वो ना छिप जाए पूरा ग्रीन करने की वजह से बहुत ही हल्का हल्का सा कलर यहाँ पर यूज़ करें। साथ ही मैं पिंक कलर का भी यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न आप यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि हल्का हल्का सा मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाया क्योंकि इसके आगे हमारे दिए ही आने हैं तो इतना दिखाई भी नहीं देगा लेकिन लुक अच्छा लगना चाहिए, वैसे रखा हुआ भी अच्छा लगना चाहिए। तो ऊपर और नीचे का सेम पैटर्न है, सिर्फ बड़ा और छोटा है। और फैब्रिक ग्लू के साथ यहाँ पर सारे दियों को हम कर देंगे सेट। और देखिए ये हो गया है हमारा डबल लेयर स्टैंड तैयार। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह से अलग अलग तरह की वीडियोस और क्राफ्ट देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।